नाबालिग कश्मीरी लड़की को लेकर दो बीवियों वाला शख्स हुआ फरार। तफसलात के मुताबिक कश्मीर से हैदराबाद आकर हैदराबाद में भीख मंगकर अपना गुजारा करते हैं और फलकनुमा रेलवे स्टेशन एक नंबर प्लेटफॉर्म पर रहते हैं। 22 दिसंबर को कश्मीरी नाबालिग लड़की जो दिमागी तौर पर माजूर भी है मेडिकल गई थी और वापस नहीं आई। कश्मीरी लड़की की मां ने शाहीन नगर के रहने वाले इस्माइल नामी नौजवान पर लड़की को गायब करने का लगाया इल्जाम और लड़की की मां ने कहा कि इस्माइल को पहले से ही दो बीवियां हैं और उसकी मां दलाल है कहकर भी लगाया इल्जाम। जब ये लोग चत्रीनगर पुलिस स्टेशन गए शिकायत करने तो पुलिस ने मुनासिब कार्रवाई कहकर लगाया इल्जाम। पुलिस को चाहिए कि इनकी कंप्लेन ले और इस्माइल पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अच्छा बेटे, हम लोग कश्मीरी है, देखो आप लोगों को पता होगा ये हमारी बच्ची 22 तारीख से गायब है। बच्ची दुकान मेडिकल पे जाती बोल के गई थी, यहाँ से गायब हो गई। हम लोग 23 को हम लोग फलकमा स्टेशन एक नंबर फरमपुर पे कश्मीरी है। हम लोग कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोग हैं हम लोग, श्रीनगर के। यहाँ से आए हम लोग पेट पालने के लिए। यहाँ आने के बाद में हमारी बच्ची को यहाँ दुर्दाना होटल से मेडिकल से गायब कर दिए। पता नहीं कहाँ से गायब कर दिए, नहीं मालूम मारू साहब। हम ऊपर से हम लोग 22 को हम लोग गए ढूंढने की कोशिश करे, 22 पूरी चले गई। तो हम लोग 23 को हम लोग जाके केस करे, रिपोर्ट दर्जाए करे। इसके बाद में लड़के का नाम है इस्माइल, इसके ऊपर हमारे को शक गया। तो इसका यही लड़का शाहीनगर का है। ये लड़के की माँ को भी उठा के लेके आए। तो ये लोग हमारे को खाली घुमा रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं हमारे ऊपर। कश्मीरी लड़की है ना, बालिंग लड़की है ये लड़की, बालिंग लड़की नहीं है। जो बालिंग लड़की है मेरे बाजू में ठहरी हुई है लड़की है, आप देख सकते हैं। मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, मैं एक बम ब्लास्ट से चली हुई एक माँ हूँ मैं। आप लोग भी हमारे दिन इस्लाम है। ये मेरी बेटी है, ये बड़ी बेटी है मेरी, ये बेटी इसके बाद की छोटी थी जी, छोटी मंझली बेटी। इसके बाद में लड़का है मेरा, छोटा लड़का है, लड़का भी जी हाँ, जिसे किसके ऊपर शक था इसका नाम दे दी मैं, इसका रिपोर्ट भी दे दी मैं, इस्माइल नाम। अब हम छतीना के पीएस पे गए थे तो जी डीपीसी ऑफिस इसलिए आए। ये लोग यहाँ आने के बाद में सुबह शाम मतलब फिरा रहे हैं, 6 बजे और 4 बजे और 5 बजे आ रहे हैं। इनका घर मालूम होने के बाद में भी इन लोग जाके कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे को चलो बोल रहे साथ में, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं नहीं चल पा रही मैं। इनको मालूम रख कर भी नहीं मतलब एक्शन नहीं ले रहे, इसलिए हमको ये डीपीसी ऑफिस के पास आना पड़ा मजबूरन हमारी बच्ची के लिए। हमको लड़के इस्माइल के ऊपर शक है, जो शाहीनगर के है, शाहीनगर का है रहने वाला। पहले से दो बीवी वाला है, दो शादी वाला है, पहले से उसको किडनैप कर लिया आधार कार्ड के जरिए से किडनैप कर दिया लड़कियों को। हम इतना चाह रहे हैं हमारी बच्चों को जैसा लेके गए ऐसा हमारी बच्चों को लेके आके दे दीजिए। हमको अपनी दौलत दाना, हमारी औलाद दाना, हमको औलाद से, हम इस्लाम है, मुसलमान है, जहाँ भी है हमारी बच्ची सही सलामत चले गई, हमारी बच्ची सही सलामत हमारी बच्चों को लेके आके दे देना। आपकी मेहरबानी हो गई बेटे, आप लोगों की हर न्यूज़ में फैला दो, हर चैनल पर फैला दो, हर ट्यूब पर फैला दो, मोबाइलों में फैला दो, जहाँ जहाँ लड़का दिख रहा है इस्माइल खान को पकड़ के लाइए, इसको लाके सेंट्रल जेल भर दीजिए। कश्मीरी बच्ची को पकड़ के लेके गए यहाँ से, क्योंकि ऑल इंडिया में दे दीजिए, क्योंकि आपको यकीन नहीं आऊँगा 370 धारा यहाँ नहीं हटी। अभी मोदी सरकार हटाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी नहीं हटी यहाँ पर, अब हटाने की कोशिश कर रहे हैं ना, अभी तो हटी नहीं। तो अभी से बच्ची के ऊपर हमला बोल के डाल दिए, बच्ची ना बालिंग है। इन्हें पहले दो बीवी आला है, दो बीवी बेच के खा लिया इन्हें, अब दोबारा मेरी बच्ची पे। बच्ची अपनी मर्जी से नहीं गई जी, नहीं अपनी मर्जी से नहीं गई। बच्ची को पता नहीं क्या करे क्या नहीं, ये दिमाग पागल होगा। आधार कार्ड के जरिए इसको इस्तेमाल करे बच्ची को। अभी इस बात की कंप्लेंट करे आप लोग जी, कंप्लेंट करे थे हम लोग कंप्लेंट करे थे, एक्शन नहीं ले रहे यहाँ छतीना का पीएस। तो सर डीसीपी ऑफिस आया? हाँ, सीधा डीसीपी ऑफिस आए। यहाँ आप देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, कंप्लेंट हम लोग करे नाजिया बानो, नाम नहीं बोल सकती ना। हम लोग यहाँ पे साल में एक दफ़ा आते हैं, हमारी बेटी क्या, आपकी बेटी क्या, हमारी बहन क्या, आपकी बहन क्या, हम भी मुसलमान हैं, आप लोग भी मुसलमान हैं, हम लोग कश्मीरी लोग हैं। यहाँ पे फलकमा पे 1000 कैंप है, हमारी कश्मीरी लड़की को आधार कार्ड पे इस्तेमाल करें, किडनैप कर दिए, वो लड़के का नाम भी पता है, वो लड़के का नाम इस्माइल है, दो बीवी वाला है, ऑलरेडी दो शादी कर लिया उसने, एक 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 लड़की को लाता है, शादी करता है, तलाक देता दे देता है, उसकी माँ दलाल है, शाहीनगर की दलाल है, जो जो
बहू को लाती है, बेचती है, बाल काश में बेचती है, उसका पैसा लाके घर छोटे बच्चों को पालती है। ये कौन सा इंसाफ हो गया? ये कौन सा कानून है? हमारे जो मुसलमान के साथ साथ दे रहे थे, क्या साथ ना, हमारा साथ नहीं दे रहे? पैसा ले सुबह शाम हम लोग भूखे प्यासे हमें पेट जाके पेट को चिपक गया, चक्कर आ जा रहे, चलते चलते हमारे पैर के चपड़ा घसे गए। हम लोग क्या करेंगे? हम भी मुसलमान है, हम लोग पेट के खतरे हैं यहाँ पे। हमारी बेटी को गायब कर दिया, मेरी बहन को कैसे किडनैप कर दिया, नाबालिग लड़की है वो, और बच्ची का दिमाग थोड़ा मेंटल है, दिमाग से निकल गई बच्ची, हमारी बच्ची को ला के दे दो। आप भी हमारे मुसलमान हो, जो भाई भी नीच देखे कोई सालों को सीधा फोन कर दो, भाई भाई आपको लाख लाख शुक्रिया। अगर कोई लाज वाले भी लाज में भी हो गए तो लाज वाले ही फोन कर दो, सीधा थाने में फोन कर देना, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। हमारे कैब में ना तो बहुत छाती लगे, मैं कहे ना भी कोई एक्शन नहीं लिए, खाली फिरा रहे सुबह शाम बोल के। हम लोग बहुत थक गए, हमको भी कितनी में पता रहे। रिपीट साहब है, हमने सबको सबको बोल दिया, उन्होंने बोला था, उन्होंने बोल दिया था, फिर रिपोर्ट भेज दिया, ना फिर जाके बात करो, बोले छाती ना का, बोले हमारी कश्मीरी बच्ची को हमको लाख दे दो, हमको खुश नहीं पा खुश होती है। अगर बच्ची निकाह भी पड़क है, हमारी लड़की को लड़की ना पता देता ले 370 धारा अभी नहीं हटा, नहीं हटा, अभी हटाने वाले थे, नहीं हमारी बच्चों को देंगे नहीं, मगर हमें जान दे देंगे, मगर हमारी बच्चों को हमको वापस